हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी हेटीज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिया होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे नंबर नहीं आ पाते हैं। और इसका रीज़न कई बार होता है कि आप पेपर में आंसर कैसे लिखते हैं, इस वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। अगर आपको तरीका नहीं पता है कि कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है, तो आप उतने मार्क्स नहीं अचीव कर पाएंगे जितने कि आप डिजर्व करते थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप आंसर्स लिखें, ताकि चाहे आपने कम भी पढ़ा हो फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। पॉइंट नंबर वन कहता है फोकस ऑन फर्स्ट टू पेजेस। आपके एग्जाम शीट का, आपकी आंसर शीट के पहले दो पेज बहुत सुंदर होने चाहिए, क्योंकि आपके शुरू के दो तीन पेज ही डिसाइड करेंगे कि एग्जामिनर आपकी बाकी की कॉपी कैसे चेक करने वाला है। अगर आपके शुरू के दो पेज बहुत सुंदर से आपने लिखे हुए हैं, हेडिंग लिखी हुई है, सब हेडिंग लिखी हुई है, बहुत नीटली अपने वर्ड्स को लिखा हुआ है, तो टीचर को लगता है कि हाँ, इसने आंसर्स लिखने में एफर्ट्स डाले हैं। अगर आपने बहुत गंदी हैंडराइटिंग में अपना आंसर अटेम्प्ट किया है, अपना पेपर अटेम्प्ट किया है, तो टीचर को भी चेकिंग करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसका मूड खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो फोकस ऑन फर्स्ट टू पेजेस व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। जब भी आप आंसर शीट में आंसर लिखने बैठे, तो कोशिश करिए कि शुरू के दो पेज तो बहुत अच्छे से लिखे जाएं। हेडिंग लिखिए, सब हेडिंग लिखिए, पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर्स को लिखिए, नीट एंड क्लीन काम करिए, ताकि आपका इंप्रेशन आपके टीचर पे बहुत अच्छा पड़े। पॉइंट नंबर टू सेज, अगर आपने कोई रॉन्ग वर्ड लिख दिया है, फोकस ऑन रॉन्ग वर्ड्स, या फिर हाउ टू डील विद रॉन्ग वर्ड्स। सपोज मैं कोई डेफिनेशन लिखती हूं, सपोज मैंने लिखा डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन, और मुझे प्रेजेंट की स्पेलिंग PRESENT लिखनी थी, लेकिन मैंने ई मिस कर दिया, या फिर ई की जगह आई लिख दिया। कोई भी वर्ड इमेजिन कर लीजिए जो कि आपने गलत लिख दिया है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, रॉन्ग वर्ड को कट करने के लिए कुछ ऐसे कट कर लेते हैं, या फिर इसी वर्ड के ऊपर ओवर राइटिंग कर लेते हैं। प्रेजेंट लिखना था, उन्होंने प्रेजेंट में ए लिख दिया है, तो वहीं पर वो ई बनाने लग जाएंगे, या फिर एन की जगह एम लिख दिया था, तो एम को एन बनाने के लिए ओवर राइटिंग करेंगे। इन सारी मिस्टेक्स को प्लीज अवॉइड करिए। अगर आपने कोई भी वर्ड गलत लिख दिया है, सिंपल एक सिंगल लाइन से कट कर दीजिए और उसी वर्ड को वापस लिख दीजिए, ताकि टीचर को आपकी आंसर शीट चेक करते हुए पता भी चल जाए कि यहाँ पर रॉन्ग वर्ड है, और उसको इतना गंदा भी ना लगे देखकर कि कोई भी आपने खिचड़ी नहीं पकाई हुई है या फिर ओवर राइटिंग नहीं करी हुई है। तो अवॉइड ओवर राइटिंग, जब भी आप आंसर्स लिखते हैं, ओवर राइटिंग करना, बहुत सारे कट्स करना, ये सब अवॉइड करिए। एक सिंगल लाइन से कट करिए और जो भी आपने रॉन्ग वर्ड लिखा था उसको दोबारा लिखकर करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर वन था, फर्स्ट टू पेजेस पे फोकस होना चाहिए, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग से बहुत नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए। पॉइंट नंबर टू, कोई भी वर्ड अगर आपने गलत लिख दिया है, तो आप क्या करेंगे, सिंगल कट से उसे कट कर देंगे और वापस से उस वर्ड को करेक्टली लिखेंगे। पॉइंट नंबर थ्री इज कि आप आंसर्स को कैसे लिखते हैं। देखिए, आपकी आंसर शीट में सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इस आंसर को आपको कैसे लिखना है। पहले आप लिखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप चाहे तो इसको कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है, हेडिंग को आप चाहे तो कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। अगर आप स्मॉल लेटर्स में ही लिख रहे हैं, तो भी बहुत नीटली लिखिए और अंडरलाइन कर दीजिए। तो आप हेडिंग लिखेंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे सब हेडिंग। सब हेडिंग आप लिखेंगे पॉइंट्स की फॉर्म में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब हेडिंग आपकी आती है डेफिनेशन, फिर आपने क्या किया, इसको अंडरलाइन किया और डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पार्ट्स लिखा, डैश किया, उसके बाद सारे पार्ट्स को मेंशन किया। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फंक्शंस लिखा, डैश किया, और हर एक फंक्शन को पॉइंट के फॉर्म में आपने लिख दिया। ये होती है आपकी प्रेजेंटेशन, ताकि टीचर जब चेक करेगा, आप खुद इमेजिन करिए, अगर आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्वेश्चन आया हुआ है और किसी स्टूडेंट ने बस लिखा हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक पैराग्राफ लिख दिया है, अब टीचर इसमें कहाँ ढूंढता फिरेगा कि कहाँ पे पॉइंट्स हैं, कहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं, कहाँ पे डेफिनेशन है, कहाँ पे फंक्शन है। लेकिन वहीं किसी स्टूडेंट ने इस फॉर्म में आंसर लिखा है, डेफिनेशन लिखी है, अंडरलाइन की है, पार्ट्स लिखा है, अंडरलाइन किया है, फंक्शंस पॉइंट्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो टीचर को भी आंसर चेक करने में आसानी होती है। अच्छे मूड के साथ आपके आंसर चेक होंगे, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो प्लीज आंसर्स लिखते हुए
पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर्स लिखिए, पैराग्राफ फॉर्मेशन अवॉइड करिए, हेडिंग लिखिए, सब हेडिंग लिखिए, अंडरलाइन करिए। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है जब आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये इमेजिन करते हुए सॉल्व करिए कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए हैं और आपको 3 घंटे के अंदर उस पेपर को सॉल्व करना है। जब भी आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं, आप ये सोचकर पेपर देंगे कि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या फिर जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप वो एग्जाम दे रहे हैं। लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ सैंपल पेपर को सॉल्व करिए। प्रैक्टिस के साथ ही आपको पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से आएगी। तो इस फॉर्म में आप अपने आंसर्स लिखिए। आपके बोर्ड एग्जाम के आंसर शीट में क्या होता है, वैसे तो दोनों साइड बॉर्डर्स बने हुए आते हैं। आपके सपोज ये पेज है, आपके दोनों साइड में बॉर्डर्स बने हुए आते हैं। अब जो बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट होती है, इन केस अगर आपकी कॉपी में बॉर्डर्स नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने पेज में दोनों साइड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। हर पेज पे, अपने आंसर शीट के हर पेज पे दोनों साइड बॉर्डर्स ड्रॉ करिए। ये किस लिए, ताकि आप कोई भी वर्ड एंड तक ना पहुंचाए। टीचर यहां एंड में आके नहीं देखेगा कि आपने क्या लिखा हुआ है। प्लीज ऐसी खिचड़ी मत पकाइएगा, बीच में अपना कॉन्टेंट लिखिए, पैराग्राफ अवॉइड करिए, पॉइंट्स में लिखिए। आपके वर्ड्स के बीच में सफिशिएंट गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लिख रहे हैं तो ह्यूमन और रेस्पिरेटरी के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। टीचर को पता ही नहीं चल रहा है कि सिंगल वर्ड है या फिर दो वर्ड्स हैं। तो हर वर्ड के बीच में मिनिमम एक फिंगर का तो गैप होना चाहिए। हेडिंग सब हेडिंग के बीच में एक लाइन का गैप, फिर नेक्स्ट सब हेडिंग के बीच में फिर एक और लाइन का गैप। इस तरीके से आप अपने पेपर को प्रेजेंट करेंगे। लास्ट में मैं अब एक वीडियो अपलोड कर रही हूं जिसमें फाइनली मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे अपने बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट में आंसर को प्रेजेंट करना है, ताकि बहुत नीटली लिखते हुए आप टीचर को इंप्रेस कर सके अपनी हैंडराइटिंग से, अपनी प्रेजेंटेशन से, और अच्छे मार्क्स पा सके। कोशिश करें कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो डायग्राम्स भी इंक्लूड करें। आपने सपोज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये आंसर लिखा, इसके साथ ही चाहे तो नेक्स्ट पेज पे या फिर यहीं पर ही थोड़ा आपको स्पेस मिलता है तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम भी बना दीजिए, या फिर फ्लो चार्ट बनाना है तो फ्लो चार्ट बना दीजिए। फ्लो चार्ट, डायग्राम, इन सबको पेन से ड्रॉ नहीं करेंगे, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। तो यही सारे टिप्स हैं जो कि आपके लिए पेपर प्रेजेंटेशन में हेल्पफुल रहेंगे। दोबारा जान लेते हैं। पहला है फोकस ऑन फर्स्ट टू पेजेस। पहले के दो पेज बहुत सुंदर होने चाहिए, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में आप लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। पॉइंट नंबर 2 सेज, अगर कोई वर्ड आपने गलत लिख दिया है तो सिंगल लाइन ड्रॉ करके उस वर्ड को कट करिए और वापस से सही वर्ड को लिखिए। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि आंसर्स को हमेशा पॉइंट्स के फॉर्म में लिखिए। पहले हेडिंग लिखिए, सब हेडिंग लिखिए, फिर बाकी के सारे कंटेंट को इंक्लूड करें। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम भी आपको आता है तो उस डायग्राम को पेंसिल से ड्रॉ करिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको स्टेप्स पूछे गए हैं किसी भी प्रोसेस के, तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में अपने आंसर को प्रेजेंट करिए। जब भी आपको आंसर शीट मिले तो दोनों साइड में आप लाइंस ड्रॉ करेंगे और बीच में लिखेंगे। बहुत ज्यादा ब्रॉड लाइंस भी ना हो, छोटी छोटी पतली पतले कॉलम्स ड्रॉ करिए और बीच में अपने कॉन्टेंट को लिखिए। तो यही थे पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स जो कि आपको एग्जाम में फॉलो करनी है। खासकर बोर्ड एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स इस चीज पर बहुत ध्यान देंगे कि आप बहुत अच्छे से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करें, ताकि टीचर जब आपकी आंसर शीट चेक करे तो उन्हें देखकर ये लगे कि हाँ, आपने डायग्राम भी ड्रॉ किया है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं आंसर्स लिखने में। और कहीं पर अगर आपके मार्क्स गलती से कट भी रहे हो तो आपको इस चीज के एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए कि आपने डायग्राम बनाया है, फ्लो चार्ट्स बनाए हैं। लास्ट में एक पेज अपलोड कर रही हूं जहां पर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको आंसर्स लिखने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि कैसे अपने आंसर्स को आपको प्रेजेंट करना है। देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ फ्लावर। सपोज आपके पास आपके एग्जाम्स में शॉर्ट नोट निकले के आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पे। अब मैं दो स्टूडेंट्स कंसिडर कर रही हूँ, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए ने क्या किया हुआ है, स्टूडेंट ए ने जो आंसर लिखा हुआ है सेम वही आंसर स्टूडेंट बी ने भी लिखा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि स्टूडेंट ए कैसे प्रेजेंट करता है अपने आंसर को, जो कि डिफरेंट है स्टूडेंट बी के प्रेजेंटेशन से। स्टूडेंट ए ने क्या किया हुआ है, अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखा हुआ है, डायग्राम्स ड्रॉ किए हुए हैं, साथ ही उसने क्या किया हुआ है, फ्लो चार्ट की हेल्प से अपना आंसर दिखाया हुआ है। वहीं स्टूडेंट बी ने सिर्फ पैराग्राफ के फॉर्म में सेम आंसर को लिखा हुआ है। स्टूडेंट ए ने पैराग्राफ फॉर्म यूज ना करके पॉइंट्स में आंसर लिखे हैं। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन्हें क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, ऐसा कुछ भी स्टूडेंट बी ने नहीं किया है। तो ये सेम आंसर है, एक एक वर्ड सेम है, लेकिन आप देखिए कि टीचर जब आपकी
शीट्स चेक करेगा तो कौन सी शीट पढ़कर टीचर को लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे इंक्लूड करे हुए हैं और बच्चे ने आंसर्स प्रेजेंट करने में क्या किया हुआ है, एफर्ट्स डाले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ए ने बहुत ब्यूटीफुली अपना आंसर प्रेजेंट किया हुआ है, पॉइंट्स में आंसर लिखे हैं, डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, फ्लो चार्ट्स ड्रॉ किए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, जिससे क्या होगा टीचर पूरा कॉन्टेंट ना भी पढ़े तो डायग्राम देखकर इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखकर उसे पता लग जाएगा कि हाँ पूरा आंसर सही है। लेकिन यही टीचर को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पार्ट्स लिखे हुए हैं, कहाँ फंक्शन ऑफ पिस्टल लिखा हुआ है, कहाँ से न्यू पैराग्राफ या फिर न्यू पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। तो इस वजह से कोशिश करिए कि आप स्टूडेंट ए की तरह अपने पेपर को प्रेजेंट करें, हमेशा आंसर को पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें, डायग्राम्स इंक्लूड करें, डायग्राम्स में लेबलिंग करें, दोनों साइड आप क्या करेंगे बॉर्डर्स ड्रॉ करेंगे अपनी आंसर शीट में, साथ ही फ्लो चार्ट्स का जितना यूज हो सके उतना यूज करेंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। तो यही टिप्स हैं जिनके थ्रू मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो प्लीज इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा, आंसर्स को हमेशा पॉइंट्स में लिखिए, पैराग्राफ में लिखना अवॉइड करिए, जितना हो सकता है फ्लो चार्ट डायग्राम इन सब का यूज करिए अपने आंसर में, ताकि टीचर को आपका पूरा रिटन कॉन्टेंट पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपके डायग्राम से ही टीचर को आइडिया लग जाए कि हाँ अपने आंसर में क्या लिखा हुआ है। तो अगर आपको लगा है पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स आपके लिए हेल्पफुल थे तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पॉजिटिवली प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।